और इसी बीच अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ आगरा से नरेश धाकरे, वहीं नोएडा से हमारे साथ विनायक गुप्ता जुड़े हुए हैं, दीपक भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हुए, गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है, ऐसे में वहां के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, ताजा अपडेट क्या कुछ कहता हुआ? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप कानपुर की जनता झेल रही है, अगर कानपुर के आज पारा की बात की जाए तो 44 के ऊपर का पारा दर्ज किया गया और कानपुर में आज भयंकर जो है हवाएं वो चल रही है और गर्म हवाएं चल रही है, जिससे कि आने जाने वाले जो लोग हैं वो जो है गर्म गर्म हवाओं से परेशान हैं, क्योंकि जो दोपहिया वाहन से लोग निकल रहे हैं उनको जो है आंखों में जलन और पाए में जो है जलन, लेकिन हालांकि वो लोग जो निकल रहे हैं वो अपना गमछा लेके निकल रहे हैं ताकि जो है जो गर्म हवा और जो धूप है उससे बचाव किया जा सके। हाला कानपुर की अगर प्रशासन की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि जरूरत हो तभी घर के बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें। सुबह जैसे ही 7 बजे से ही धूप निकल आती और शाम 6-7 बजे तक स्थिति इसी तरीके से बनी रहती है, क्योंकि गर्मी जो है लगातार पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा भी था कि अभी लगभग हफ्ते भर यही कंडीशन रहेगी, धूप रहेगी और तेज हवाएं चलेंगी तो लोगों को राहत नहीं मिलेगी। हाला मौसम विभाग ने यह भी बताया था कि 20 तारीख तक बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी ऐसा देखा नहीं जा रहा कि बारिश होगी कि नहीं होगी। अगर बारिश होती है तो आम जनता को राहत मिलेगी, अब देखना यह होगा कि 20 तारीख तक बारिश होती है कि नहीं होती है। वहीं प्रशासन की बात करें तो चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डे हो, जहां पर वो पानी की व्यवस्थाएं कराए हुए हैं, टीन सेट लगाए हुए हैं, क्योंकि जो लोग बाहर आने जाने वाले हैं उनको जो है पानी की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, छायों की व्यवस्था की जाए। हालांकि जो लोग घर के बाहर निकल रहे हैं वो अपनी व्यवस्था के साथ निकल रहे हैं और अपील भी जो है कानपुर प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग वो ये कर रहा है कि घर के बाहर निकले तो छाव अपनी व्यवस्था करके निकले, जैसे पानी लेके निकले ताकि पानी की कमी ना हो, और खान पान का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि कहा जाता है गर्मी के सीजन में अगर बाहर का खान पान होता है तो स्वास्थ्य बिगड़ता है और पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पिया जाए, जो पेय पदार्थ हैं वो उनका सेवन ज्यादा आम जनमानस करे, जिससे कि ठंडक बनी रहे और गर्मी ना लगे, लू ना लगे, जिससे कि वो बीमार ना हो, क्योंकि देखा जा रहा है कि अस्पताल में मरीज भी लगातार पहुंच रहे हैं, ओपीडी में भीड़ लग रही है, डॉक्टर भी ये कह रहे हैं लोगों को कि गर्मी से कैसे बचाव जो है उनके तरीके भी बताए जा रहे हैं कि घर के बाहर अगर निकले तो अपने व्यवस्था करके निकले, खासतौर पानी का विशेष ध्यान दें और पेय पदार्थ जो है उस पर ज्यादा सेवन करें, बाहर का खान पान से बचते हुए नजर आए, वो घर में हल्का पल्का भोजन करें और ज्यादातर ठंडा ही भोजन करें ताकि स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें ना आए। जी ठीक है, नोएडा से हमारे साथ विनायक गुप्ता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनायक, नोएडा में गर्मी से किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह की स्थिति, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना, लगभग कितने दिनों में मानसून आ जाएगा? जी आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर समेत जो नोएडा की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर गर्मी का सितम जो है बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता, अगर बात करी जाए तो 46 डिग्री के करीब जो है अधिकतम तापमान पहुंच जा रहा है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों के अंदर हैं, घरों के बाहर बहुत कम निकल रहे, अगर उनको जरूरी काम है जब वो घर से बाहर निकल रहे, अन्यथा वो घर के अंदर ही हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रही है, उसके कारण जो है गर्मी के कारण जो है लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। अगर अस्पतालों की बात करी जाए तो अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों की संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आई है, मिनिमम 4,000 के करीब जो है लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है गर्मी इतनी तेजी से पड़ रही है तो जो लोगों को बीमारियां हो रही है, खांसी जुकाम हाइपोटेंशन की, इन सब बीमारियों को लेकर के ओपीडी में ज्यादा संख्या में लोग देखने को मिल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया जा रखा गया है, बैनर पोस्टर लगाए जा रखे गए हैं, लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने साथ अगर घर से बाहर निकलने हैं तो गमछा छाता या सिर पर कपड़ा रख करके चले, जिससे कि धूप से बचाव किया जा सके, और साथ ही साथ पानी की बोतल एक जरूर आवश्यक लेकर के चल, जिससे कि शरीर में पानी की जो मात्रा है वो कम ना हो सके, जिससे कि लोग बीमार ना हो। वहीं अगर बात चली जाए तो जो गर्मी का सितम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में जो है बिजली कटौती की भी जो है मामले सामने निकल करके आ रहे हैं, लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती करी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती करी जा रही है, वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करी जाए 2 से 3 घंटे की बिजली कटौती करी जा रही है, तो लोग उससे भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक तो गर्मी से परेशान है, दूसरा घरों में लाइटें नहीं आ रही, उससे लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी इसको लेकर के आक्रोश दिखाई दे रहे हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने निकल करके आ रही है। ठीक है, दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए, गजेंद्र, दिल्ली के हालात वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, एक तो भीषण गर्मी का प्रकोप, ऊपर से पानी की किल्लत, ऐसे में बुरी तरह से जूझती हुई नजर आ रही है दिल्ली की जनता।
जी बिल्कुल, दिल्ली की जनता दोहरी मार से गुजर रही है इस गर्मी में। एक तरफ आग बरसती हुई दिखाई दे रही है आसमान से, तो वहीं धरातल की बात की जाए तो जमीन पर पानी की समस्या से जूझती हुई नजर आ रही है। अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो पिछली रात दिल्ली के लिए सबसे गर्म रात थी। 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा टूटते हुए दिखाई दिया गया है। पिछले 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे गर्म रात रही है। न्यूनतम तापमान 33 रहा है और आज की अगर बात कर ली जाए अधिकतम तापमान दोबारा से 45 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है और न्यूनतम तापमान 37 डिग्री न्यूनतम के आसपास दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लगातार 20 से 30 किलोमीटर चलने वाली हवा आज लू के थपेड़े की तरह लग रही है और आज दिल्ली में अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि लगातार ये प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी दी जा रही है और डॉक्टरों की तरफ से भी ये एडवाइजरी लगातार दी जा रही है कि घर से बच्चे और बुजुर्गों को बिल्कुल ना निकलने दिया जाए और खुद भी अगर निकले तो बेहद जरूरी काम हो तभी घर से निकले। घर से जब निकले तो सर पे गमछा रखें या फिर छाते का प्रयोग करें और कोशिश करें अपने साथ एक पानी की बोतल अवश्य लें। इस तरीके की एहतियातन चीजों के साथ दिल्ली वाले दिनचर्या अपनी शुरू करते हैं और बाहर जाने के लिए वही वक्त चुनते हैं जिस वक्त में उनको कुछ आराम मिल सके, लेकिन घर के अंदर के हालात भी वही नजर आते हैं जो कि बाहर के हैं। ज्यादा तापमान में फर्क नजर नहीं आता, इसलिए लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ राजनीतिक देखी जाए तो राजनीति पानी के ऊपर जो होती हुई दिखाई दे रही है उससे भी दिल्ली वाले परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पानी की समस्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में देखा जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं वो बीजेपी की बात कर ली जाए कांग्रेस की बात कर ली जाए तो लगातार मटका फोड़ प्रदर्शन भी देखा जा रहा है पानी की समस्या को लेते हुए। लेकिन इस बीच में दिल्ली की जनता को दो चार होते हुए जरूर पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली की जो गर्मी है वो लगातार लोगों के ऊपर अब हावी होती हुई जा रही है, जिसका जो सीधा सीधा जो प्रमाण है वो आपको हॉस्पिटल के बाहर लगने वाली कतारें दिख जाएंगी। अब जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनके बाहर अब लोग गर्मी की समस्या लेके जाते हुए जरूर दिखाई दे। ठीक है, हमारे साथ नरेश धाकरे भी आगरा से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नरेश, आगरा वो क्षेत्र है जहां पर भारी संख्या में सैलानी हर साल पहुंचते हैं, हर महीने पहुंचते हैं और ऐसे में भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते सैलानियों के आने का सिलसिला बहुत कम हो गया है। ऐसे में पर्यटन विभाग पर किस तरह का असर पड़ता हुआ इस भीषण गर्मी का? देखिए बिल्कुल मनीषा, अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में ताजमहल को देखने के लिए मई और जून के महीने में अच्छी खासी जो पर्यटकों की कंडीशन देखने के लिए वहां पर मिलती थी, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो आगरा में जिस तरीके से जून के महीने में जो भीषण गर्मी का प्रहार कहीं ना कहीं आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो भी आगरा के ताजमहल को देखने के लिए नहीं पहुंच रहे क्योंकि लगातार जो गर्मी का सितम है वो कहीं ना कहीं लगातार परेशान करता हुआ आगरा में दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए पर्यटक की तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी के चलते जो पर्यटकों के आवागमन पर जो ब्रेक लगा है उसका कहीं ना कहीं जो सीधा असर है वो गर्मी के कारण ही देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक समय होता था के मई और जून के महीने में अच्छी खासी पर्यटकों की भीड़ देखने के लिए मिलती थी क्योंकि इस समय पर स्कूल भी बंद हो जाती है, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार जून के महीने में जिस तरीके से भीषण गर्मी का जो प्रहार है उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो चुके हैं, लोग अब अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ताज नगरी आगरा की अगर बात की जाए तो ताज नगरी आगरा में इस समय पर जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच रहे हैं तो इसका अच्छा खासा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं पर्यटक विभाग को आगरा में देखने के लिए गर्मी के चलते मिल रहा है। वही अगर हम बात करते हैं आगरा में भीषण गर्मी के प्रहार की तो अगर बात की जाए तो 10 बजे के बाद जो गर्म हवाएं चलती है वो गर्म हवाएं लू के थपेड़ों में तब्दील हो जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं तो 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा छाना शुरू हो जाता है। अभी भी आप साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से जो गर्म हवाएं हैं वो चलना शुरू हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई आगरा में दिखाई दे रही है जिसका सीधा अगर कहा जाए तो असर कहीं ना कहीं लोगों के व्यापार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों को होती है जो लोग हर रोज मजदूरी करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी का जो प्रहार है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई मजदूरों से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से जो टेम्परेचर आगरा में हर रोज
कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो 45-46 के पार पहुंच जाता है, तो ऐसे में उन्हें मजदूरी करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो लगातार जिस तरीके से इस बार जो गर्मी आई है वो कहीं ना कहीं आगरा में लगातार लोगों को मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 20 जून तक कहीं ना कहीं मानसून आने के जो आसार दिख रहे थे, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो भीषण गर्मी और लू के थपेड़े हैं वो लगातार आगरा में लगा लोगों की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कहा जाए तो गर्मी का असर व्यापारी से लेकर के किसान तक देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी के इस प्रहार में जो किसान है वो भी खेतों में काम नहीं कर पाते हैं। अगर एक बार कुल मिला के अगर कहा जाए तो भीषण गर्मी का प्रहार चाहे वो मजदूर हो या वो किसान हो या व्यापारी हो, क्योंकि अगर बाजारों की हम बात करते हैं तो बाजारों में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी का जो प्रहार है, ऐसे में लोग बाजारों में नहीं पहुंच रहे, और जो व्यापारी है उनके व्यापार पर भी कहीं ना कहीं जो गर्मी है उसका ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में सुबह के टाइम पर भीड़ देखने के लिए मिलती है, लोग सुबह के टाइम पर ही ठंडे मौसम में बाजार में पहुंच करके सामान खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय चढ़ता है धूप निकलती है उसके बाद कहीं ना कहीं भीषण गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को परेशान करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बाजारों में भी सन्नाटा देखने के लिए मिलता है। तो मनीषा अगर आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा में पर्यटक से लेकर के और व्यापार जो भी हम लोग करते हैं उनको कहीं ना कहीं गर्मी का एक कहा जाए तो गर्मी ने उनके व्यापार पर कहीं ना कहीं ग्रेड लगाने का काम मनीषा किया है। ठीक है, और एक बार फिर से रुक करते हैं दीपक का जो कि हमारे साथ कानपुर से लगातार बने हुए हैं। दीपक, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी नरेश धाकरे ने एक बात कही है कि व्यापार वर्ग पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ रहा है, ऐसे में अगर कानपुर की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया है, व्यापार वर्ग यहां पर भी गर्मी से काफी ज्यादा परेशान है, उनका क्या कुछ कहना है इस गर्मी को लेकर, किस तरह से इस स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को वो तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप जो है कानपुर की जनता झेल रही है, वहीं व्यापारियों की अगर बात कर लीजिए तो व्यापारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि व्यापार में खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी और धूप की वजह से जो लोग हैं वो निकल के नहीं आ रहे, तो व्यापार जो है वो जिस तरीके का होना चाहिए वो व्यापार हो नहीं पा रहा और व्यापार में खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुदरत की मार के साथ साथ जो है व्यापारी जो अपना पैसा लगाए इन्वेस्ट किए हैं उसका जो है बिक्री नहीं हो रही, क्योंकि लोग निकल नहीं रहे, जब लोग निकल नहीं रहे तो उनका सामान बिक नहीं रहा, जिससे कि व्यापार पर खासा असर दिख रहा है। वहीं अगर बात कर ले मंडियों की बात कर लें या बाजारों के लिए हरी सब्जियों की बात कर लें तो उस पर भी खासा असर दिख रहा है, क्योंकि जो किसान है जो सब्जियां उगाता है वो कहीं ना कहीं बारिश की आशंका जताता है कि बारिश होगी तो अच्छी सब्जियां होंगी, लेकिन बारिश ना होने के चलते जिस तरीके से लगातार धूप हो रही और हवाएं चल रही जिससे कि फसलें खराब हो रही, तो बाजारों में देखा जा रहा है कि सब्जियों के दाम भी जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब्जियां जो है पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पा रहे, जिसके चलते जो किसान है वो परेशान है। हालांकि जो रोजमर्रा का आदमी है जो सब्जी लेने जाता है तो बाजारों में सब्जियां महंगी मिलती हैं, जिससे कि एक तरफ कुदरत की मार दूसरी तरफ जो है महंगाई की मार लगातार आम जनमानस झेल रही है। जिस तरीके से कहा गया था कि 20 तारीख तक मौसम जो है चेंज होगा और बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी ऐसा दिख नहीं रहा कि बारिश 20 तारीख तक होगी। अगर 20 तारीख तक बारिश होती है तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, तो इस तरीके से आम जनमानस लगातार जो है वो गर्मी से परेशान है। और देखना यह होगा कि जिस तरीके से अलग अलग जिलों से मौत के आंकड़े भी सामने निकल के आ रहे हैं कि कितनी लोगों की गर्मी से मौतें भी हो रही, तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि भीषण गर्मी से लोगों की मौत भी हो रही है, व्यापार पे भी जो है खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं बाजारों में जो है सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है कानपुर का हो या अन्य जिलों का हो या स्वास्थ्य विभाग हो लगातार अपील कर रहा है कि घर के बाहर निकले तो अपनी व्यवस्था के साथ निकले ताकि गर्मी से बचते हुए नजर आए। हालांकि लोग जो है जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है वही लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा लोग घर ही पे कैद हुए हैं, 6 बजे के बाद ही उनका घर के बाहर निकलना होता है, तभी वो मार्केट करते हैं और मार्केट से आने के बाद घर में रहते हैं, क्योंकि देखा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक भीषण गर्मी का प्रकोप जो है आम जनमानस झेल रही है। कानपुर के स्वास्थ्य विभाग का भी ये अलर्ट जारी हुआ है कि लगातार जो लोग हैं वो पेय पदार्थ का ज्यादा सेवन करें, बाहर की खाने की चीजों से बचें। लगातार प्रशासन जो है मटके की व्यवस्थाएं और टीन शेड की व्यवस्थाएं किए हैं, जो लोग बाहर से आ जा रहे हैं उनको पानी की समस्या ना हो और धूप की बचने की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि लोग आए तो थोड़ा आराम कर लें इसके बाद ही निकले ताकि उनको गर्मी से बचाया जा सके। जी मनीषा, ठीक है। विनायक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नोएडा से, तो विनायक अगर गर्मी की मार की बात की जाए तो एक तरफ नोएडा वासी जहां गर्मी की मार झेल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा में होता हुआ विकास यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो तेजी से फैल रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं, तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है इस वक्त नोएडा में, जिसके चलते प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है, उड़ने वाली धूल मिट्टी से भी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं नोएडा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो।
जी आपको बता दें, अगर बात करी जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हब है और यहाँ पर ही सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। दिल्ली से सटा हुआ ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर यहाँ की बात करी जाए तो जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उससे काफ़ी लोग परेशान तो हैं, वहीं अगर व्यापारी वर्ग की मानी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जो जिस पर्याप्त मात्रा में उनको बिजली चाहिए होती है वो बिजली जो है उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लगातार जो है गर्मी का सितम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जिससे कि बिजली विभाग के द्वारा जो है कटौती करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे भी 3 से 4 घंटे की कटौती करी जा रही है, तो वहाँ पर जिस तरीके का उनको बिजली चाहिए होती है वो नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से उनका जो कार्य है वो रुक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करी जाए और नोएडा प्राधिकरण की बात करी जाए तो उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए पूरे जो इंतजाम हैं वो किए जा रखे गए हैं। अलग अलग जगहों पर पीआओ की व्यवस्थाएँ करी जा रखी गई है, सारी सरकारी जगहों पर वाटर कूलिंग की व्यवस्था करी जा रखी गई है। साथ ही साथ अगर वहीं ट्रैफिक विभाग की बात करी जाए तो उनकी तरफ से जो है हर चौराहे पर रेड लाइटों पर जो है ग्रीन चादरें जो है ऊपर बिछाई जा रखी गई है, जिससे कि वाहन जो है नीचे खड़े होते हैं तो वो चादरों की छाँव में रहें, जिससे कि उनको गर्मी का जो धूप है वो ना पड़ सके और उनको गर्मी से बचाव किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि अगर बात करी जाए तो बिजली विभाग की, तो उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास बिजली जो है पर्याप्त मात्रा में रहती है, लेकिन जो इतने ज़्यादा में लोड उठता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर जो है वो फूक जा रहे हैं, तो इसको चेंज करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, तो इस कारण जो है 3 से 4 घंटे की कटौती जो है वो हो जाती है। वही अगर बात करी जाए तो दिल्ली NCR की, तो गर्मी का सितम जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में लोग जो है बिल्कुल घर से कम निकल रहे हैं। अगर मार्केट एरिया की बात करी जाए या मॉल्स की बात करी जाए तो वहाँ पर भी लोगों का आवागमन जो है बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, लोग मार्केट एरिया में भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। शाम अगर की बात करी जाए तो अब जो एक दो दिन की बात करी जाए तो शाम के समय में भी जो टेम्परेचर है वो 7 बजे के करीब जो है 33 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो कहीं ना कहीं उस समय भी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो लोग भी अपने घर से बाहर निकलने कम सोचते हैं, लेकिन जो ज़रूरी काम होते हैं जैसे सामान लाना होता है तो उस समय घर से बाहर निकलते हैं या अपने ऑफिस से घर जाना और इस चीज़ों के लिए ज़्यादा निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ से एडवाइस जारी करी जा रखी गई है कि घर से कम बाहर निकले, अपने साथ में पानी की बोतलें लेके चलें, लिक्विड का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करा करें जिससे कि शरीर में पानी की कमी। लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल दिल्ली से गजेंद्र लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हुए उनके पास लौटते हुए, तो गजेंद्र मार्केट में बात हो रही है, मार्केट्स की बात हो रही है, व्यापारी वर्ग की बात की जा रही है, तो अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्केट्स खचाखच भरी रहती हैं हर सीजन में, लेकिन इस बार की गर्मी में सरोजनी नगर की अगर हम बात कर ले, चाहे हम लाजपत नगर की बात कर ले, चांदनी चौक जैसे खचाखच भरे रहने वाले बाजार की बात कर ले, सदर बाजार की बात कर ले, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और एक सबसे बड़ी परेशानी जो बनी हुई है दिल्ली में वो प्रदूषण की भी है, क्योंकि लगातार प्रदूषण की समस्या से भी दिल्ली की जनता जूझती हुई। जी बिल्कुल, प्रदूषण की बात कर ली जाए तो 300 प्रदूषण बना हुआ है, और अगर बात की जाए दिल्ली के मार्केट्स की तो खचाखच भरने वाली मार्केट्स अब जो ग्राहक हैं उससे नदारद दिखाई दे रही हैं, बहुत कम लोग दिखाई देंगे आपको मार्केट में। हालांकि ये वो मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट की बात की जाए, चांदनी चौक की बात की जाए, ये वो मार्केट है जो पूरे साल मार्केट चलती है और खचाखच भरी होती है, लेकिन इस बार की गर्मी में जो मार्केट है वो लगभग खाली दिखाई दे रही है, जिससे व्यापारी वर्ग को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारत में गर्मी बढ़ रही है अर्थव्यवस्था पे भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़े व्यापारी वर्ग को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राहक घरों से निकलेंगे नहीं तो व्यापार चलेगा नहीं, ऐसे में लगातार जो गर्मी है उसका सितम हर किसी को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या आम जनता हो। इस गर्मी की वजह से इस समय दिल्ली में हालात ये हैं कि लोग अपने घरों से ना निकलने पे मजबूर हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं तभी वो घरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें काफी छोटे मोटे जो काम हैं वो भी रह जाते हैं, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि किसी तरीके से गर्मी से बचा जाए। इस बीच में जो बिजली की आपूर्ति है उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाती है, 8,300 मेगावाट की बिजली की जो मांग है वो लगातार दिल्ली में मांगी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली की कटौती भी दिल्ली के कुछ इलाकों में उनको परेशान करती है। एक तरफ पानी की कटौती तो दूसरी तरफ बिजली की कटौती, ऊपर से आग बरसती हुई, यानी कि दिल्ली वालों के लिए इस समय गर्मी के हालात ऐसे बने हुए हैं कि ना वो इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, लेकिन गर्मी से दो चार होना ही पड़ेगा। और IMD की बात कर ली जाए तो इस समय IMD का साफ कहना है कि अभी दिल्ली वालों को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 20 तारीख की बात की जा रही है कि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश मध्यम भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, आसमान साफ है, कल जरूर
जरूर कुछ देर के लिए बादल छाए थे, लेकिन अभी आसमान बिल्कुल साफ है और दिल्ली वालों को आसमान से बरसती हुई इस आग का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं कि मार्केट के अंदर भीड़ नहीं है, आप सड़कों पर भी जाएंगे तो भी लोग आपको दिखाई नहीं देंगे, तमाम पार्क भी आपको खाली मिलेंगे। सुबह सुबह जो लोग वॉक पे जाते हैं, हालांकि 5 बजे 6 बजे का जो समय है वो थोड़ा ठंडा माना जाता है, लेकिन आपको 6 बजे भी अब पार्कों में आधी जनता दिखाई देगी क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ती है। 7 बजे के बाद आपको ऐसा लगने लगता है मानो कि दोपहर का समय हो गया हो। इसलिए दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि व्यवस्थाएं भी यहाँ पे नहीं की गई है। दिल्ली के लोग बहुत हद तक बीमार होते चले जा रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देने का दावा भी लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार करती हुई नजर आती है। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ली जाए तो फिलहाल सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। अस्पतालों की बात की जाए तो अतिरिक्त बेड भी लगाए गए हैं और कुछ अस्पतालों में बर्फ की सिल्लियां भी रखी गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके। अगर कोई हीट वेव का शिकार व्यक्ति वहां आता है तो उसके लिए सारी तमाम जो जरूरतें हैं वो जरूर पूरी रखी गई हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो इस समय सिरदर्द, आंखों में जलन और स्किन की प्रॉब्लम्स को लेकर, पेट दर्द को लेकर ज्यादा आ रहे हैं, जिसके लिए डॉक्टरों का कहना है कि अपनी डिहाइड्रेट आप ना रहे, आप ज्यादा कोशिश करें कि आपको जो भी लिक्विड मिले आप उसे पिए, चाहे वो जूस हो या पानी हो, ठंडा पानी हो, सादा पानी हो, लेकिन आप लिक्विड लेते रहिए, तरल पदार्थ लेते रहिए। यही फिलहाल सबसे बड़ा रामबाण है इस समय गर्मी से बचने का। लेकिन ठीक है, एक आखिरी सवाल दीपक आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि लगातार गर्मी का प्रकोप जिस तरह से देखने को मिल रहा है, व्यापारी वर्ग पर इसका खास असर देखने को मिल रहा है, तो अभी हमारे सहयोगी गजेंद्र ने एक बात कही कि इसका बहुत ज्यादा असर कहीं ना कहीं हमारे देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। और अगर कानपुर की बात की जाए तो नोएडा के बाद देखिए सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी निर्भर करती है तो वो कानपुर पर निर्भर करती है, तो प्रदेश सरकार के आगे कितनी ज्यादा चुनौतियां देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर एक औद्योगिक नगरी और फैक्ट्रियों का अंबार लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है तो जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ मजदूर जो है वो कम जा रहे हैं। हालांकि रोजमर्रा जो मजदूर है वो तो जा ही जा रहा है, लेकिन अगर फैक्ट्री मालिक की बात कर लें या व्यापारियों की बात कर लें तो उनका साफ तौर से कहना है कि गर्मी की वजह से जो है खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी इसको लेकर चिंतित नजर आ रही है, जिस तरीके से फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ काफी बंद दिख रही हैं, व्यापारी जो हैं जो मालिक वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी से लोग निकल नहीं रहे, वो अपना बचाव कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में मौतों के आंकड़े आ रहे हैं जिससे कि लोग काफी डरे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा है जरूरत हो तभी निकले, अन्यथा निकले, कुछ दिन की गर्मी है इसके बाद फिर वैसा ही मौसम हो जाएगा। जी मनीषा, ठीक है, तो सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भीषण गर्मी का प्रकोप इस वक्त देश के कई राज्य झेल रहे हैं, हम भी लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आपके स्वास्थ्य पर इस भीषण गर्मी का बहुत ज्यादा बुरा असर ना पड़े।